विद्यार्थियों अपन पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था और उसमें अब अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन, एक्सरे डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल्स। एक्स किरणों की सहायता से क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। एक्स किरणें प्रकाश व ध्वनि की भांति तरंग गति से चलने वाली ऊर्जा की किरणें होती हैं, जिनकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बहुत कम 10^-8 के क्रम की होती है। किसी क्रिस्टल की सतह एक्स किरण के प्रति बिल्कुल ऐसा व्यवहार करती है जैसा कि कोई समतल दर्पण प्रकाश की किरणों के प्रति करता है। ब्रेग इक्वेशन। W.H. ब्रेग एवं उनके पुत्र W.L. ब्रेग ने 1912 में क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरणों के विवर्तन का सरल स्पष्टीकरण दिया था। बच्चों, उनके अनुसार जब किसी क्रिस्टल पर एक्स किरणों का पुंज टकराता है तो प्रत्येक परमाणु उसी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकीर्णित प्रकाश के स्रोत के रूप में कार्य करता है। उन्होंने एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य और जालक तलों के बीच की दूरी में एक संबंध स्थापित किया। चूंकि क्रिस्टलों में परमाणु अथवा आयन एक क्रमबद्ध अवस्था में रहते हैं, अतः उनके तलों पर एक्स किरणें बिल्कुल उसी प्रकार परावर्तित होती हैं जिस प्रकार प्रकाश की किरणें समतल दर्पण से परावर्तित होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, हम मानते हैं कि ए ए डैश, बी बी डैश और सी सी डैश आदि समान दूरी पर स्थित किसी क्रिस्टल के जालक तल हैं और ब्रेग तल भी कहते हैं इन्हें, जिनके बीच की दूरी डी है। माना कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों का पुंज पी तल ए ए डैश पर बिंदु क्यू पर तथा तल बी बी डैश पर बिंदु आर पर टकराता है, परावर्तित होकर क्रम से क्यू डैश व आर डैश की दिशा में चला जाता है। क्यू क्यू डैश व आर आर डैश एक दूसरे के समानांतर है, अतः पी आर बी तथा पी क्यू ए और परावर्तित कोण क्यू डैश ए क्यू डैश तथा आर आर बी डैश एक दूसरे के समान होंगे। माना कि इस कोण का मान थीटा है और यदि ओ आर दोनों तलों का लंबवत परपेंडिकुलर हो तो एक्स ओ वाई दोनों परावर्तित किरणों पर लंब होगा और दोनों परावर्तित किरणें क्यू क्यू डैश तथा आर आर डैश के पथांतर पर मिलेंगी। क्यू आर मतलब क्यू आर वाई माइनस क्यू एक्स। क्यू एक्स इजल टू क्यू एन और जो पथांतर है बच्चों वो क्यू आर वाई माइनस क्यू एन इजल टू एन आर वाई इजल टू टू आर वाई, तो आर वाई इजल टू डी साइन थीटा, तो पथांतर हो जाएगा बेटा 2d sin थीटा। यदि पथांतर तरंग दैर्ध्य का गुणांक हो तो परावर्तित किया गया संपोषी व्यतिकरण होगा, अतः अधिकतम तीव्रता वाली एक्स किरणों के लिए 2d sin थीटा बराबर एन लैम्डा होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो संपोषी व्यतिकरण नहीं होगा बेटा। यहाँ जो एन है वो एक पूर्णांक है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार ब्रेग की समीकरण में साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू तो कहाँ से आएगी, 0 से शुरू होगी और 1 तक जाएगी। अतः उस स्थिति में दो तलों के मध्य की दूरी कम से कम मिनिमम होगी, तो 2d minimum = n λ और d minimum = n λ/2। अब अपन बात करेंगे बेटा क्रिस्टल जो संरचना है वो ज्ञात करने की विधियाँ। पहली है ब्रेग की विधि। इस विधि में एक घूमने वाली टेबल होती है जिस पर गोलाई में स्केल बना रहता है। इस टेबल के केंद्र पदार्थ का एक बड़ा क्रिस्टल फिक्स किया जाता है। एक एक्स किरण नली द्वारा ज्ञात तरंग दैर्ध्य वाली किरणें निकलती हैं जो स्लिट एस से गुजरकर क्रिस्टल की सतह पर टकराती हैं और यहीं से किरणें परावर्तित होकर एक अन्य स्लिट से गुजरते हुए एक आयनीकरण कक्ष ई में प्रवेश करती है जो डिटेक्टर से जुड़ा होता है। बच्चों, इससे क्रिस्टल से परावर्तित हुई एक्स किरणों की तीव्रता की जानकारी मिलती है। प्रारंभ में क्रिस्टल के कम एक्स किरणों को भेजा जाता है, बाद में धीरे धीरे इसका कोण बढ़ाया जाता है। डिटेक्टर में एक्स किरणों की तीव्रता देखते जाते हैं। जिस कोण पर एक्स किरणों की तीव्रता उच्चतम होगी वह ब्रेग समीकरण को संतुष्ट करता है। इस प्रकार ब्रेग समीकरण से डी का मान ज्ञात कर लिया जाता है। चूर्ण क्रिस्टल विधि दूसरी है बेटा। इस विधि में एक छोटे क्रिस्टल को किसी क्रिस्टलीय अक्ष के समांतर घुमाया जा सकता है तथा इस घूमते हुए क्रिस्टल पर लंबवत दिशा में एक्स किरणों को भेजा जाता है। घूमते हुए क्रिस्टल के विभिन्न तल एक्स किरणों के पथ में आकर उसे विवर्तित करते जाते हैं। विवर्तित एक्स किरणें एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरती हैं।
जिससे प्रत्येक एक्स किरण से एक धब्बा बनता है। इस प्रकार के चित्र क्रिस्टल के तीनों अक्षों के लिए लिए जाते हैं। इस फोटोग्राफ की सहायता से क्रिस्टल जालक की दूरियाँ, एकांक सेल के आकार आदि का परकलन कर क्रिस्टल की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। तीसरी विधि है बच्चों पाउडर विधि। इस विधि को डेवाई व शेयर ने विकसित किया, इसे डेवाई शेयर विधि भी कहते हैं। इस विधि में पदार्थ को चूर्ण अथवा पाउडर के रूप में लिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे अव्यवस्थित ढंग से अभिविन्यस्त असंख्य क्रिस्टल होते हैं। पदार्थ के नमूने को एक पतली कांच की नली से लेकर इस पर एक्स किरणें एक बारीक किरण पुंज को डाला जाता है। नमूने के क्रिस्टल संबंधी सभी अभिन्यास में उपस्थित रहते हैं। क्रिस्टल के जालक तलों के प्रत्येक सेट के लिए एक कोण थीटा होगा, जो ब्रेग समीकरण को अनुपालन करता है। अतः असंख्य सूक्ष्म क्रिस्टलों से कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो इस कोण के अभिविन्यास पर होते हैं, और इस तरह से हम उस अभिविन्यास की द्वारा क्रिस्टल की संरचना को प्राप्त कर लेते हैं।